हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मासूर रहमान टेक्निकल। हमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एप्सॉन L6170 के साथ आप कैसे डुप्लेक्स पेंट कर सकते हैं। वोटर कार्ड, आई कार्ड जो छोटा होता है, कुछ ऐसे सैंपल में प्रिंट आउट करके बना लिया हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए। तो मैं एक ही पेज में वन साइड में आपको बोथ साइड पेंट करके दिखाऊंगा अभी। तो कैसे आप आसानी से कर सकते हैं वो अभी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आ जाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इस कॉपी में। तो कॉपी में जाने के लिए यहाँ पे इधर उधर कर सकते हैं ये बटन प्रेस करके। तो इसको पहले ओके कर लीजिए कॉपी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कॉपी उसके बाद एडवांस सेटिंग। तो आपको यहाँ से जो लाल दिख रहा है आपको, तो इसको ऊपर ले जाना है। कॉपी में चला गया, उसके बाद राइट राइट बटन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्लिक करके देखिए एडवांस में चला गया। और एडवांस में जाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चले आया है। तो यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं आईडी कार्ड कॉपी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो इसको क्या करना है, आपको ओके करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इस तरह के से कैंसिल नहीं करना। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, तो हो गया, बस सेटिंग कंप्लीट। आप फिर से कॉपी में चला आइए। ठीक है, तो मतलब वो कंप्लीट हो गया। अब जितना कॉपी आप देना चाहते हो, यहाँ से आप लास्ट बटन में क्लिक करके यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, जितना भी आपका मन चाहे वो दे सकते हो। तो चलिए, मैं ये है मेरा ऊपर पोर्शन, ये है टॉप एंड साइड। तो मैं इसके सबसे देख लीजिए कि यहाँ से, और सबसे बात और एक बड़ी बात मैं आपको समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मतलब कहाँ से कहाँ ये स्कैन करता है खाली आईडी कार्ड के लिए। तो यहाँ पे एक पेज को मतलब ये 8 इंच का चौड़ाई है इसका, लंबा इसका 6 इंच का है। तो यहाँ से आप यहाँ से देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो टॉप एंड फर्स्ट बार जो कॉपी होगा, मतलब फर्स्ट स्कैन जो होगा फर्स्ट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे प्रिंट आएगा। तो आप मिडिल करके यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है आप ऐसे कट करके माप लीजिए, क्योंकि ऐसे फर्स्ट बार आप कर लीजिए आपका सुविधा के लिए। ठीक है, तो आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉपी आपको करना है, स्कैन करेगा उसको फर्स्ट साइड जो स्कैन हो रहा है। ठीक है, स्कैन हो गया, दूसरा बार भी सेम है। आपको नीचे के पुष्पन में मत डालना, यहाँ पे स्कैन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ तक आपका स्कैनर काम करता है। तो इसके बाद फिर से वहाँ पर ही सेम मतलब उल्टा साइड डालना है यहाँ पे। उसके बाद ओके कर दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम कर दिया, आधा बेटा सोचते हैं पता बोल। अब देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ऊपर और नीचे आ चला गया। ठीक है, तो आसानी से आप ऐसे करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो के देखने के लिए।